चुरा के तेरा दिल ले गई, जालिम तेरी जवानी लगे। हिंदी फिल्मों से ऑफर आया आपको? हाँ आया था, लेकिन छोटा रोल के लिए मैं बना नहीं हूँ, मैं बड़ा रोल करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने नहीं किया। जहाँ मैं हूँ वहाँ मैं नरक का राजा पसंद करता हूँ, स्वर्ग का नौकर बनना मुझे पसंद नहीं है। शाबाश बेटा। पीछे की डोरी चुरा के मेरा दिल ले गई, ले गई चुरा के मेरा दिल ले गई, तेरी चोली के पीछे वाला डोरी चुरा के मेरा दिल ले गई। आहा, मजा आ गया। तेरी चोली के पीछे वाली डोरी चुरा के मेरा दिल ले गई। बहन के पास, माय के पास, फुआ के पास बना के और खोलो चोली की डोरी जैसे खोलते हो, हमारा पास ना चलेगा। चाटुकारता करते हो, बाप को छोड़कर कलाकार को बाप मानते हो, तो तुम मान, हम अपने काम के लिए जाने जाते हैं बे। आह मगहिया जवान भाई, तो आपके साथ में हूँ और धन्यवाद कि मगहिया जवान के कुछ बातों में सच्चाई दिखी, उसी पर चर्चा करूँगा। अच्छाई बुराई हर एक चीज़ का चर्चा करूँगा, यानी कि पवन साहब, पवन सिंह का नए गाने तेरी लाल चुनरिया दिल ले गई वाली गाने। तो जी हाँ, अभी हम लोग बात करने वाले हैं भैया पावर स्टार पवन सिंह और पोर्न स्टार सनी लियोनी का। तो चलिए नमस्कार प्रणाम, मैं आपका भाई छोटू तबाही। और जिस तरीके से पवन सिंह का भैया गाना मार्केट में आया है, और ये जो गाने हैं सनी लियोन का गाना और पवन सिंह का ले गई चुरा के मेरा दिल ले गई, कहाँ कहाँ बज रहा है, सारे मुद्दे पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि अरे वाह क्या बात है, देख सकते हैं कि टेम्पो में भैया पवन सिंह का गाना बज रहा है। बाहर ही आइए थोड़ा सा, आप लोग बाहर आइए, इसलिए मैं क्योंकि आप लोग से थोड़ा बाहर भाई बात करना चाहूँगा, क्योंकि अब टेम्पू में आप लोग बजा रहे हैं इस गाने को। ये बताइए कि पवन सिंह के टेम्पू में गाने को आप लोग बजा रहे हैं, गाना कैसा लगा आप लोग? गाना तो बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा ये बताइए कि वीडियो भी सनी लियोन के साथ आया है, यानी कि 4 करोड़ का गाना बना है, वीडियो कैसा लगा? वीडियो तो कुछ खास नहीं है। वीडियो नहीं अच्छा लगा? अच्छा नहीं लगा। गाना अच्छा लगा? गाना अच्छा लगा। तो देख सकते हैं कि यानी कि काफ़ी यहाँ पर पब्लिक भी मौजूद है, देख थोड़ा कैमरा में चाहूँगा कि पीछे भी थोड़ा पीछे भी कैमरा को किया जाए, देखिए सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन गाना बहुत मज़ेदार है, गाना बहुत अच्छा लगा, गाना बहुत मज़ेदार है, लाजवाब है गाना। वाह क्या बात है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ भैया पावर स्टार पवन सिंह जी का। पवन सिंह का एक गाना आता है तेरी चोली के पीछे वाली डोरी चुरा के मेरा दिल ले गई। अब इस गाने पर काफ़ी विरोध भी हुए, काफ़ी सपोर्ट भी हुए, हालांकि मैं बात करना चाहता हूं मगहिया जवान समर गौतम सिंह जी का। गौतम सिंह और समर सिंह इस गाने का कुछ प्रतिक्रिया दिए, रोल सोहेल गाड़ी का हर एक चीज़ों का भैया उन्होंने खुलासा किया, हालांकि एक्सपोज करना चाहिए, इसलिए गौतम सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद कि सच्चाई बोलने की आप हिम्मत रखते हैं। आपने सारे बातों को सही कहा, सारे बातों को कहने के बाद आपने कुछ और चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। मैं पवन सिंह का भैया विरोधी नहीं हूँ, मैं इंडस्ट्री का सपोर्टर हूँ, और गलत करेंगे समय समय पर आपको आईना दिखाऊंगा। पवन सिंह के एक गाने आते हैं चुरा के मेरे दिल ले गई, उस गाने में सनी लियोन का एक्टिंग है। अब सनी लियोन इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पावर स्टार और दूसरी तरफ पूर्ण स्टार। पावर स्टार को किस लिए जाना जाता है? अपने पावर के लिए, अपने गायकी के लिए, अपने आवाज़ के लिए। जी हाँ, तो गायकी में तो नो डाउट पवन सिंह भाई सरस्वती पुत्र हैं, उनका गाना का कोई जुड़ा नहीं है, जवाब नहीं है। देख आपने देखा ही था कि पवन सिंह का जन्मदिन लोग मना रहे थे, शिक्षक लोग, टीचर यानी कि स्कूली टीचर, सरकारी टीचर लोग उनका जन्मदिन मना रहे थे। पवन सिंह का गाने में तो कोई जवाब ही नहीं है, चुरा के तेरी दिल ले गई, तेरी लाल चुनरिया चुरा के मेरी दिल ले गई, बहुत शानदार गाने हैं। गाने काफ़ी मज़ेदार थे, वीडियो का स्क्रिप्ट जो था वो मज़ा नहीं आया। पवन सिंह अपने गायकी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सनी लियोन अपने अदा, अपने हॉटनेस दिखाने में वो भी माहिर है भाई, जानी जाती है। लेकिन पवन सिंह की गलती का है या फिर पवन सिंह को सनी लियोन अपने बॉडी को छूने नहीं दिया? एक वाफी का दुलरुआ भाई है तूफानी लाल, देखिए तो थोड़ा कि सनी लियोन को लाए हैं, देखिए किस तरीके से हम झटका मार रहे हैं। अगर बनाना ही है तो पूरा हॉटनेस लाइए कि हिंदी का, भोजपुरी का फील ही खत्म हो जाए। अगर भोजपुरी का फील भी आप लाते हैं तो कम से कम गाने में थोड़ा सा, जिस तरीके से दूरी से कैमरा किया गया है, वीडियो डायरेक्टर के पकड़िए तो शायद स्वागत कर दीजिए चाहे जो भी, क्योंकि भाई वीडियो डायरेक्टर का भी बदमाशी होता है। वीडियो देखे, वीडियो में ठीक है 500 लोगों का आप डांस कराएं, बहुत अच्छी बात है,
लेकिन 500 जगह के लोगों को आप डांस कराएं, सनी लियोन को आप डांस कराएं, वो भी अच्छी बात है, कराना चाहिए क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री आगे जा रही है। लेकिन आगे के साथ साथ ये नहीं कि कोई हीरोइन हमारा छू ही नहीं देवे, टर्चे ना करे देवे, बिल्कुल सही बात है। बात रह गया एक गौतम सिंह मगहिया जवान के, बोलते हैं कि रोल्स रॉयल गाड़ी भाड़े पर लाए थे, तो जी हाँ, भाड़े पर ही हर एक गाड़ी को इस्तेमाल किया जाता है। अब हमसे ये मत पूछेगा कि हमारे भाड़े, क्योंकि हमारी गाड़ी है भाई, ट्रैक्टर फैक्टर आप जो भी देखें, मेरा सब ड्राइवर अपना काम करते रहता है, तो हम 20 लाख के लागत से वीडियो बना रहे हैं, देखते हैं कि कितना लोग इसको पसंद करते हैं। बात करते हैं, अब आते हैं मुद्दे पर। उस गाने में जिस तरीके से गाने को सजाया गया है भैया, गायकी का तो कोई जवाब नहीं है, लेकिन सनी लियोन जिस तरीके से अदा दिखाना चाहिए उतना अदा वो नहीं दिखा पाई है। और मैं एक बात और कह दूँ, उससे बढ़िया गाना है, देखिए थोड़ा सा इला सुनिए तो, भैया खेसारी लाल यादव का गाना है झपा 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 झपा, तो उससे बढ़िया आप लोग नम्रता माला को ला करना चाह लेते तो काफ़ी मज़ेदार होता, क्योंकि नम्रता माला जिस तरीके से भाई अदा दिखाती है, कैले बाल कमाल तो हर लाल घाघरा गाने को आपने देखा होगा, पवन सिंह के गाने बहुत जल्दी 100 मिलियन क्रॉस कर गए। कैसे क्रॉस कर गए? तो भाई उस गाने में ताकत भी था, वीडियो क्वालिटी भी था, डांस भी गजब का था, लेकिन सनी लियोन आए घोड़ी लीन नाच के चल दिए। इससे ये नहीं साबित होता है कि भाई भोजपुरी में सनी लियोन आकर नाच रही है, भाई सनी लियोन जब आ रही है पैसा ले रही है 4-3 करोड़ रुपया, तो नाचेगी नहीं, वो अपना हॉटनेस सादा नहीं दिखाएगी, तो फिर सनी लियोन को बुलाने से फ़ायदा, कोई फ़ायदा है? गौतम सिंह का कुछ बातों का मैं समर्थन इसलिए करता हूं कि भाई बंदा ने बोला है, बिल्कुल परफेक्ट बातों को रख दिया है, क्योंकि हम लोग भैया चटुकार दलाल किसी का नहीं है। आपका गाना काफ़ी लाजवाब है, शानदार है, गाना को मैं बार बार बोलूँगा कि गाना काफ़ी सुपर है। अब ये पूछेंगे लोग कि गाना हिट कैसे हो गया, 10 मिलियन 5 मिलियन व्यू कैसे चल गया? व्यू जाएगा भैया, क्योंकि भाई पवन सिंह का फेस वैल्यू बना हुआ है, पवन सिंह को फेस वैल्यू की जरूरत नहीं है, प्रमोशन प्रचार की जरूरत नहीं है, लेकिन ये नहीं कि पब्लिक को कुछ भी दिखा दीजिए, पब्लिक अंधभक्त में लिख दे जी भैया जियो सर नहीं, मैं दोनों सुपरस्टारों को कहूँगा, देखिए खेसारी लाल यादव का एक गाना आया है कमर करे तो लपक लपक, कितना कम दिन में छोटा मोटा चैनल सब्सक्राइबर पर 50-60-70 मिलियन गाने क्रॉस कर गए हैं। तो कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में अपने नाम का रुतबा है, तो नाम का फ़ायदा ना उठाएं। और मैं खेसारी लाल यादव जिसे मैं कहना चाहूँगा कि अगर इस गाने को एक बार टक्कर आप देना चाहते हैं तो सनी लियोन को नहीं, नम्रता मल्ला को बुला कर दिखाइए, चाहे पवन सिंह हो या फिर खेसारी लाल यादव हो, आपको भी, क्योंकि भाई दुई को पावर स्टार और ट्रेंडिंग स्टार है, यहाँ दोनों आप लोग भाई हैं, आप लोग तो लड़ाई झगड़ा है नहीं, लेकिन मैं खेसारी लाल यादव जिसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सनी लियोन को अगर पवन सिंह लाए हैं आप नम्रता मल्ला को ला करना चाहिए, और देखिए कि गाने कितना सनी लियोन के गाने को टक्कर कितना नम्रता मल्ला दे पाती है। आसानी से 100 मिलियन अगर गाने क्रॉस नहीं कर जाएंगे तो फिर आप मुझे कहिएगा कि मैं क्या कह रहा था। तो गाना आया लेकिन गाने में उतना कोई खास मज़ा नहीं है। हाँ, एक बात और है कि मगहिया जवान के गौतम सिंह ने जिस बात को रखा, बहुत बेबाकी से अपने बात को रखा, पहली बार कोई बंदा सही बताया है कि भाई इस तरीके की बात है, लेकिन पैसा तो भैया खर्च हुए हैं, पैसा खर्च हुए और पैसा निकलवे ना करे, मर जाएगा कंपनी मालिक ना सर, आप तो हीरोइन के साथ जाके कमर हिला लिए, अब हीरोइनों लाएँ तो बूढ़ा औरत बूढ़ आदमी के लग आए हैं आँख में झूरी। देखिए गौतम सिंह को मैं कहना चाहूँगा कि आपने ठीक है वीडियो में विरोध किया, लेकिन आपने कुछ सही भी किया कुछ गलत भी किया। गलत कैसे किया? सनी लियोन का पहले वाला चेहरा फेस फिगर नहीं रह गया, ठीक पोर्न स्टार है वो, लास्ट में कुछ करती है वो तो दुनिया जानता है, लेकिन सनी लियोन अब बूढ़ी हो चुकी है, कितना जैसे बूढ़ घोड़ी के लाल लगाम दे दे के कितना टानिएगा कितना टानिएगा। तो सनी लियोन कहीं ना कहीं बूढ़ी हो गई है, ठीक है बुढ़ापा है चाहे जो भी है, लेकिन आँख पर सनी लियोन का झूरी आप देखिएगा, गौर कीजिएगा उस गाने में कि झूरी भी आ गया है, सनी लियोन का लगा के नाचने से कोई फ़ायदा? हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि भाई पावर स्टार पवन सिंह ने एक कदम को उठाया कि सनी लियोन को भोजपुरी में लाकर नचाना चाहिए, नचाए लेकिन उतना मज़ा नहीं दी, क्योंकि भाई नाच की नचनिया जब आएगी और भरपूर मज़ा ऑडियंस को नहीं देगी, दर्शक को नहीं देगी, चाहे कोई भी स्टेज पर कोई प्रोग्राम करने आएगी तो दर्शक सुनते हैं भाई आपके नाम पर, क्योंकि भाई आपके गाने बहुत अच्छे हैं, ये अब कोई नहीं कह देगा कि सनी लियोन के नाम पर व्यू जा रहा है, भाई पवन सिंह के गायकी जो गाने हैं गाने के नाम पर आपका व्यू जा रहा है। बाकी वीडियो में मैं देखा आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में। हाँ, एक बात और, जो अंधभक्त होगा पवन भैया जिंदाबाद, फलना भैया जिंदाबाद, नहीं जाइए जरूरत नहीं है, जो सही बात होगी उस पर आप लोग गौर कीजिएगा कि वीडियो में आप लोग मज़ा आया कि नहीं आया,
क्योंकि अच्छे चीज़ों को दिखाना और बुरे चीज़ों को दिखाना हम लोगों का काम है। ये जानते हैं कि गाने बहुत अच्छे हैं, अश्लील थोड़ा सा चोली के डोरी पीछे वाला दिल ले गई तो लोग विरोध करते हैं, करना चाहिए, लेकिन हम भाई विरोध नहीं करते हैं गाने का। लेकिन वीडियो क्वालिटी मुझे उतना मज़ा नहीं आया, 3-4 मिनट के गाने में सनी लियोन उतना ठुमका नहीं लगा पाई। पवन सिंह अगर भोजपुरी की एक हीरोइन रहती, कोई हीरोइन रहती भोजपुरी की, तो पवन सिंह क्या जो भी स्टार हैं पूरा गर्दा कबार देते हैं, चुम्मा चाटी धारा पकड़ी सब कुछ करते। लेकिन हमको लगा कि सनी लियोन शायद सटने नहीं दिया पवन सिंह को, या फिर डायरेक्टर मना कर दिया, या फिर सनी लियोन के हस्बैंड होंगे चाहे मैनेजर होंगे कि भाई सटने नहीं देंगे, चुम्मा नहीं ले देंगे। मैंने बहुत तरह के बात है, यही सब बात है, लेकिन वीडियो में उतना कोई खास मज़ा नहीं आया। ले गई चुरा के मेरा दिल ले गई, तेरी चोली के पीछे वाली डोरी। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे। लेकिन गाना बहुत मस्त है, जाइए दबा के पेल के रेल के सुनिए। फिलहाल इतना ही, आपका भाई छोड़ दो भाई।